ये नहीं है चावलों में ये माशाल्लाह एक भी कान ना लावे ना क्या नहीं निपड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले आपने एक डंडा कुंडा लेना है, जैसे ये मैं आपके बिल्कुल सामने ये लहसुन को जो है अभी मैं उसका पेस्ट बनाने की कोशिश करूंगा। उसके साथ अब देखिए मैंने ये हरी मिर्ची हैं जो ये डाल दी है। अब इनको भी मैं इस डंडे कुंडे में डोरी कंडा जिसे कहते हैं उसमें कूटूँगा, जैसे ये देखे मैं ये आपको कूट के दिखा रहा हूँ। ठीक हो गया जी, ये बहुत ही आसान है, बस इसे बस एक बार आप देख लेंगे। ये मैंने पेस्ट जो इसका तैयार कर लिया है, ये मैंने प्याज काट के रख लिए हैं और ये मीठे चावलों के लिए मुरब्बा है ये जो पड़ा हुआ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये मुरब्बे के साथ साथ बाकी ये गिरी मेवा और बादाम है, ऐसे ये टमाटर भी रखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रख ली हैं। अब उसके बाद मैंने सबसे पहले क्या करूँगा, मैं एक पतीले में पानी ऐड करके उसमें इसे उबालने के लिए चावलों को रख दूंगा। यानी कि ये 6 केजी चावल हैं जो मैं अभी इसको उबालूंगा और उबालने के बाद इसका पानी निकाल के यानी कि इसे 70% के करीब जब ये गल जाएंगे, 30% रह जाएंगे, तो फिर मैं इसे चानी वाले जो मैं बनाऊंगा मैं वो भी आपको अभी दिखाता हूँ। तो इंशाल्लाह आप यकीन जाने कि ये इतना आसान होगा कि आप खुद ही इसे सारे ये मैंने चावल जो निकाले थे उबाले थे, ये उबालने के बाद ये इसका पानी निकाल लिया है और इसे क्योंकि ये ज़्यादा है क्वांटिटी में, अगर आप थोड़े बनाएंगे ना तो उसके लिए आपको इतनी ज़्यादा नहीं है, उसमें तो छोटा सा बर्तन एक होगा उसमें साथ आप इसमें पानी निकाल लिया करेंगे। और अब मैंने इसे ला के इधर रख दिया, ये मैंने चानी के लिए पानी रख दिया। इसमें ये मैंने इसमें तकरीबन 4 किलो इसमें मैंने चीनी डाली है और ये 1 किलो ये घी का जो पैकेट इसमें ऐड किया है और तकरीबन मैं इसे इस हिसाब से तकरीबन 1 किलो के करीब इसमें पानी ऐड करके ये चानी पकाऊंगा। ये मैंने तकरीबन ये मेरी चानी जो है ना तकरीबन तैयार होने वाली है। और साथ ही मैंने ये बड़े पतीले में दूसरे नमकीन एक साइड पे ये नमकीन चावलों का हो गया पतीला और ये चानी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इसमें चावल ऐड करने के बाद इसे दम पे रख दूंगा और फिर उसके साथ में नमकीन चावल जो है ना ये इंशाल्लाह बनाएंगे हम। ये देखें जी ये चावल इसमें ऐड कर दिए, अभी इसमें थोड़े से चावल इसमें मिक्स करके अच्छी तरीके से हम इसको दम लगा देंगे और कम से कम इसे 45 मिनट के करीब दम रखना है, क्योंकि मैं इसमें हल्की सी आंच में रखूंगा साथ साथ मैं वो बनाता रहूंगा इसलिए इतना टाइम ये लगता है। 45 मिनट इसे दम लगाएंगे हम तो और 20 से 25 मिनट नमकीन चावलों को लगाएंगे। अब ये देखिए ये जनाब मैंने इसको दम लगा दिया, ये देखिए मैं इसके ऊपर ढक्कन रखने लगा हूँ, हमारे उधर भी आग जल रही है, उधर भी रेडी हो रहा है मसाला उसका सारा जी। ये मैंने इसमें दम लगा दिया इसको, अब इसको हम 45 मिनट के बाद ही इंशाल्लाह चेक करते हैं। अब आ जाएं दूसरी तरफ, ये हमारे नमकीन चावलों के लिए मैंने कटर मिर्च इसमें डाल दी है, ऐड कर दी है और मसाले को अच्छी तरह भूनना शुरू कर दिया है, क्योंकि मसाला भून जाएगा अच्छी तरीके से तो फिर ही ये जो है ना हमारे चावलों का जायका बनेगा ज़बरदस्त। इसमें मैंने आपको और इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही आसान, आप सोचेंगे कि यार ये तो इतना आसान है, हम ऐसे इधर उधर ढूंढते हैं, ये तो ज़्यादा है ना, आपने तो थोड़े बनाने अपने घर के लिए जितने भी बनाएंगे उस हिसाब से। ये हमारी नमक है इसमें ऐड कर रहा हूँ मैं,
नमक ऐड करने के बाद इसे थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे हम। और ये मसाला जात मैंने सारे इकट्ठे करके इसमें रख दिए थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। ये हमारे मसाला जात जो है ना अभी इंशाल्लाह वो पूरे हो जाएंगे। और इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें ये नमक, आप जो देख रहे हैं दोबारा जो देख रहे हैं ऐड किया है वो चाइनीज़ नमक मैंने ऐड किया है। पहले आम एडियन वाला नमक था, अब ये चाइनीज़ नमक है जो मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये मेरे बड़े भाई हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब, अल्लाह पाक उनको जो है रहमत में जगह दे। और ये उनके चलाया हुआ सिलसिला है, उन्होंने एक लंगर शुरू किया हुआ था अपनी मदद आप के तहत से। और वो तकरीबन वो तो अपनी ज़िंदगी में हर हफ्ते ही खिलाते थे। ये जी मैंने ये देखें अभी पानी ऐड कर दिया इसमें, और सब गरीब और मस्कीनों को बिठा के इधर उनका काम होता था कि हर हफ्ते वो सबको लंगर खिलाते थे। और उन्हीं का ही वो बाबा बुल्ले शाह का जो शेर है ना, अक्कड़ वजे दुक्कड़ वजे तत्ता होवे चुल्ला ते आन फकीर ते खाखा जामन पिया राजी होवे बुल्ला। जी ये मैंने इसमें दो अदद बिरयानी के पैकेट ऐड किए हैं। ये अभी जैसे इसको उबाला आएगा ना, ये हाँ अचार में आप भूल गया बताना, ये अचार भी मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ। ये तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने अचार ऐड करना है इसमें। ये देखिए ये अचार, ये इंशाल्लाह बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो मैं वो बाबा जी की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जो एक ख्वाब एक देखा था ना, और जिसे कहते हैं कि उनकी ने अपनी मदद आपके तहत ही वो बाबा जी के शेर को अमली जामा पहनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आज भी उनका लंगर जो है ना ऐसे ही चल रहा है, अल्लाह पाक उनको जो है रहा। जी मैंने ये चावल ऐड कर दिए, ये 12 केजी चावल हैं जो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। 6 केजी हमने वो बनाए मीठे बनाए हैं और 12 केजी है, यानी कि ये पूरी देख के जो आइटम है ये बन रही है। और ये चावल ऐड होने के बाद आप देखेंगे कि मैं इसे थोड़ा सा मिक्स करूँगा, तो उसके बाद आँच इसकी तेज़ हो जाएगी, तो इसको उबाला आएगा तो फिर हम इसको भी दम पर लगा देंगे। अब ये अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो इसे हम दम में लगा देंगे। दम की लगाने के बाद जैसे इसका दम हम उठाएंगे, उसके बाद इसमें ये देखिए मैंने कलर ऐड कर दिया है, ये नमकीन चावल हैं। और अब उसके साथ ही वो जो मीठे चावल पड़े हुए हैं ना, ये दम माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा, कितना ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और इसके चावल देखें माशाल्लाह कितने अच्छे बन गए हैं, और ये झटपट में सब हो जाता है। ये ना इतना मुश्किल काम नहीं होता, बस लगता है मगर करने से सब मुश्किलें आसान हो जाती हैं। अल्लाह पाक का ख़ास करम होता है इंसान के साथ। जी ये हमारे चावल रेडी हो गए नमकीन, इतना हिलाना ज़रूरी होता है वरना ये जो है ना इस अपने दम में इसलिए बहुत ज़्यादा गल जाते हैं, तो वो अच्छी शक्ल नहीं बनती, इसलिए इनको हवा लगाना ज़रूरी है ऐसे। और माशाल्लाह ये देखें जी इसकी लुक देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हो गया जी हमारे नमकीन चावल। अभी आपको मैं साथ ही मीठे चावलों का भी दम उठाने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ। अब देखें मैं उसका भी इंशाल्लाह ये इसको ये कलर लगाए हैं मतंजन को, जिसे हम मतंजन कहते हैं, हम इसके लिए रंगीन चावल इसमें हमने सब कलर लगा दिए हैं। ये उसके ऊपर गिरी मेवा हर चीज़ हमने अपने अपनी हिसाब से जितनी जितनी ज़रूरत है ऐड कर दी है माशाल्लाह। ये भी देखिए कितना प्यारा कलर आ गया और बहुत ही ज़बरदस्त है। वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये मुरब्बे ऐड कर दिए हैं ये देखें, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, अच्छी सी वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाल सुबह को बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, और आप लोगों को भी ऐसे ही लंगर चलाने की तौफीक अता करे, और हर इंसान एक दूसरे की मदद करे। और इसी के साथ ही आखिर में मैं फिर बाबा बुल्ले शाह का वही शेर दोबारा पढ़ाऊँगा, आपको सुनाऊंगा जो मेरे बड़े भाई साहब सुनाते हुए थे, उन्होंने उस पर अमल पैरा होते हुए ही ये काम शुरू किया हुआ था। और ये मैं उनकी याद में ही ये दोबारा इंशाल्लाह, उनके बेटे हैं इमरान मुस्तफाई साहब वो कर रहे हैं सारा।
ਇੱਕੜ ਵੱਜੇ ਦੁੱਕੜ ਵੱਜੇ ਤੱਤਾ ਹੋਵੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਆਣ ਫਕੀਰ ਤੇ ਖਾ ਖਾ ਜਾਵਨ ਪਿਆ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਬੁੱਲਾ। ਲਓ ਜੀ ਇਸੀ ਕੇ ਸਾਥ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।